नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बांका। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। बांका जिले के समुख्या मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कार्य समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास सिंह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद चंद्रवंशी, पूर्व मंत्री सह बांका विधायक राम नारायण मंडल, लोकसभा प्रभारी लाल मोहन गुप्ता, कार्यकारिणी अध्यक्ष मनोज यादव उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता एवं अधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि जिस तरह बिहार विधानसभा में बांका जिले के कार्यकर्ता गण बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5 सीट में 4 सीट भाजपा के झोली में दिया, इसके लिए सभी कार्यकर्ता गण बधाई के पात्र हैं। आज देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत देश पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। पूर्व मंत्री सह बांका विधायक राम नारायण मंडल ने मौजूद कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायत चुनाव में जुट जाने की अपील करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा की संख्या में अपने लोगों को खड़ा करते हुए पूर्ण समर्थन देते हुए अपने लोगों की जीत सुनिश्चित करें। साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए पंचायतों में घूम घूम कर आम लोगों को समर्थन प्राप्त करें। इस अवसर पर भाजयुमो के जिलाध्यक्ष रंजीत यादव, महामंत्री भोलू पोद्दार, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रामानंद चौधरी, महेश गुप्ता, केदार सिंह, पार्टी के अमरपुर नगर अध्यक्ष गौतम मोदी, गोपाल भगत समेत सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब तस्कर सक्रिय है। वहीं तमाम कोशिशों के बावजूद प्रशासन और पुलिस शराब तस्करी बंद नहीं करा पा रही है। ताजा मामला बांका के बौसी का है, जहां चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने विदेशी शराब बरामद कर जिले के बौसी थाना क्षेत्र के भलजोर चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 12 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। दोनों युवकों को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। विदेशी शराब बरामद जिले में तमाम कोशिशों के बाद भी शराब तस्करी पर रोक लगाना जिले प्रशासन के लिए चुनौती साबित हो रही है। आए दिन शराब की बड़ी खेप बांका के रास्ते बिहार के कई हिस्सों में पहुँचती है। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम कार्रवाई तो करती है, लेकिन इस पर रोक लगाने में सफल नहीं हो पा रही। यही वजह है कि रोजाना शराब तस्करों की गिरफ्तारी भी होती है। ताजा मामला बौसी थाना क्षेत्र के भलजौर चेक पोस्ट की है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान 750 ml की 12 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को पकड़ा है। गुप्त सूचना मिली कि झारखंड के हंसडीहा से शराब की खेप बांका के रास्ते अनियंत्रित ले जाया जा रहा है। अवर निरीक्षक विष्णु प्रिया के नेतृत्व में बौसी थाना क्षेत्र के भलजौर चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 2 बोरियों में रखी 750 ml की 12 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों तस्करों ने बताया कि वह शराब भागलपुर ले जा रहे थे। बांका जिले के फुली डुमर प्रखंड के तेलिया मैदान पर आयोजित मृणालिनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के 5वें लीग मैच में क्रिकेट टीम बांका ने क्रिकेट टीम निशिहारा को 8 विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर ली। इसके पूर्व टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी निशिहारा की टीम ने निर्धारित 16 ओवर में सभी विकेट खोकर 185 रनों का स्कोर खड़ा किया, जबकि जवाब में उतरी बांका की टीम ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। विजेता टीम के खाते में 39 गेंद पर 10 छक्के एवं 2 चौके जड़ते हुए 70 रन देने एवं 3 विकेट लेने वाली विजेता टीम के मोहित कुमार मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए, जिन्हें ट्रॉफी देकर सरपंच भोला प्रसाद सिंह द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। उक्त मैच में निर्णायक की भूमिका में सोना कुमार एवं गुड्डू थे। स्कोरर के रूप में अनिश सिंह एवं अमित कुमार थे। मैच का आंखों देखा हाल चिक्कू सिंह एवं पिट्टू कुमार ने सुनाया। टूर्नामेंट को सफल बनाने में समिति के सचिव मिंटू कुमार, बमबम कुमार, मोना सिंह, रितेश कुमार सिंह, देवेश कुमार, अभिलाष कुमार, चिक्कू कुमार, राहुल रंजन कुमार समेत दर्जनों स्थानीय युवा सक्रिय थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।